हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम्स मंत्रा। सो फ्रेंड्स, अब मैं लेके आई हूँ इंग्लिश सेक्शन के आंसर की। जैसे कि आपको पता है, आज जेवीटी टेट का एग्ज़ाम था। सो बाकी सेक्शन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने उनके आंसर की चेक नहीं की है सो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। उन लिंक पर क्लिक करके आप बाकी सेक्शन की वीडियोज़ देख सकते हैं। ये लास्ट सेक्शन है, बाकी सारे सेक्शन मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें हमने क्या करना है। आउट ऑफ द फोर गिवन चॉइसेस चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड फॉर ईच एक्सप्रेशन। सो क्वेश्चन है अ पीस ऑफ ग्रास लैंड। सो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन डी, मैडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, अ प्लेस फॉर कीपिंग वर्ड्स। सो इसका आंसर आएगा एविएट्री, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, एन अनमैरिड मैन। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, बैचलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर द चेंज ऑफ वॉइस। ओके, इसमें चेंज ऑफ वॉइस आपने करना है। इसमें ऐसा नहीं कहा है कि एक्टिव में चेंज करो, एक्टिव में चेंज करो, पैसिव में चेंज करो। ओके, इसमें पैसिव में दे रखे हैं, आपने इनको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। द वेल वॉज रंग बाय द चेयरमैन। ओके, सो ये पैसिव वॉइस दे रखा है, इसका एक्टिव क्या रहेगा। 34 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, द चेयरमैन रैंग द वेल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 35 है सेंड दिस फाइल इन। 35 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लेट दिस फाइल बी सेंट इन। 36 है ही वॉज परेज्ड बाय हिज फादर। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, हिज फादर परेज्ड हिम। नेक्स्ट है 37, ही शॉट द टाइगर डेड। सो 37 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, द टाइगर वॉज शॉट डेड बाय हिम। अभी एक्टिव था, इसको हमने पैसिव में चेंज किया। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द idioms फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन है 38, स्मेल अ रैट। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सस्पेक्ट समथिंग फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, आउट ऑफ द वुड। ओके, 39 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, फ्री फ्रॉम डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्राई फॉर द मून। सो 40 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, आस्क फॉर इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ब्रिंग टू लाइट। सो 41 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, डिस्क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 43 जो है वो 42 को 43 लिख दिया यहाँ पे, इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इन राइटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। सो इसका आंसर आएगा साइलोन इज डैश आइसलैंड। सो 43 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, एन। ओके, आइसलैंड है क्योंकि, सो आई का साउंड दे रहा है, बॉवल है, सो एन आएगा। 44 है टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। सो 44 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, वेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, डैश अ फोर्ड ही हैज़ अ फिट कार। सो 45 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, बिसाइड अ फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ही एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, आई। 47 है सिनोनिमस ऑफ एगोनी इज। सो 47 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, पेन। क्वेश्चन नंबर 48 है द मस्कुलाइन ऑफ हेफर इज। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बुलॉक। क्वेश्चन नंबर 49 है द वर्ड अमेच्योर मीन्स। सो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, वन हु डज सम आर्ट और स्पोर्ट एज अ हॉबी। नेक्स्ट है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड इफ़ आई वर अ किंग। सो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपने चेंज करना है। सो 50 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, ही विश्ड दैट ही वॉज अ किंग। 51 है नेवर टेल अ लाई चेंज द वॉइस। सो 51 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। क्वेश्चन नंबर 52 है एन एपिक इज। सो 52 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, अ लॉन्ग नरेटिव बेस्ड ऑन अ मिथ और लीजेंड। नेक्स्ट है 53, आई डैश रादर डाई देन वेग। सो इसका आंसर आएगा 53 का ऑप्शन ए, वुड।
क्वेश्चन नंबर 54 है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश डैश टू सिस्टर्स, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 55 है, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल। सो अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे चूज करना है। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मीनिंग होता है ऑप्शन डी एग्जॉनरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, स्टेराइल इसका अपोजिट, सो 56 का आंसर आएगा ऑप्शन सी फर्टाइल। 57 है लॉजिकल, सो लॉजिकल इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 58 है, सेलेक्ट द वर्ड्स विच मीन्स द सेम टू द वर्ड्स प्रिंटेड इन द कैपिटल। सो क्वेश्चन है एस्केलेट, इसका आपने सेम मीनिंग चूज करना है, सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए राइज। नेक्स्ट है 59, ओमिनस, सो ओमिनस का जो सेम वर्ड है इसका आंसर आएगा, इसके आंसर में थोड़ा सा सस्पेंस है, तो काइंडली आप चेक कीजिएगा इसका आंसर, अगर आपको पता है तो उसको आप इनबॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है एनहेंस, इसका सेम वर्ड आएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर इंक्रीज। सो फ्रेंड्स, ये थी इंग्लिश सेक्शन की आंसर की, बाकी सेक्शन की मैंने अपलोड कर चुकी हूँ वीडियोस, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैथ्स की मैंने कमीशन के लिए, टैट के लिए मैंने एक सीरीज शुरू की है बेसिक मैथ्स की, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, कमीशन की तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। मैथ्स अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ सीखिए, मैंने एक सीरीज शुरू की है, वो आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। ओके, थैंक यू।